नमस्ते सर, ट्रांसफ़र के आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण पर जो अत्यावश्यक जानकारियां हैं, जिसमें बेसिक डिटेल और डिटेल प्रोफाइल जो जांच करनी है, उनको किस प्रकार से करेंगे कन्फर्म, इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र आवेदन होने से पूर्व ये कन्फर्म होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना प्रपत्र 10 को जाँच करना है, जिसमें जनरली हमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट और स्थायीकरण तिथि, ये जो जनरली दे रखे हैं, इसके ये जांच करनी है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई गलती रह गई है और प्रपत्र 10 लॉक हो गया है, तो प्रथम दृष्टया आप पीओ से अनलॉक करवाएं। अगर पीओ से भी वेरीफाई कर दिया गया है, तो सीबीओ ऑफिस से उसको अनलॉक करवाएं और उसके बाद में अपनी जो भी डिटेल सही करें। उसके बाद बात करते हैं डिटेल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल कन्फर्मेशन की, जो दोनों ही हमें स्वयं को कन्फर्म करनी होगी। तो किस प्रकार कंफर्म करेंगे, इस बारे में जानने उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिले, और बेल आइकन को और पर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचें। अब करते हैं आज के इस अपडेट की बात। तो जैसे ही हम सबसे पहले शाला दर्पण लॉगिन करेंगे, शाला दर्पण पर जाने के बाद स्टाफ लॉगिन में जाएंगे, जिस पर हम स्टाफ लॉगिन में यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेते हैं, जो हम सभी की यूनिक आईडी के द्वारा होता है। तो जैसे ही लॉगिन होते हैं, तो हम शाला दर्पण के जो भी स्टाफ लॉगिन है, उसमें एंटर कर जाते हैं, जिस पे हमें अपनी दो डिटेल जो मेनली है वो कंफर्म करनी होगी। तो उनको कंफर्म करने के लिए जो लेफ़्ट साइड में तीन लाइन दिखाई हुई है, वहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो हमें इसमें जाने के बाद सबसे पहले जो स्माइल 3 के नीचे दिया गया है प्रोफाइल नाम से ऑप्शन, इसमें जाके हम अपनी बेसिक अपडेट करेंगे। लेकिन बेसिक अपडेट से पहले बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप रिक्त पोस्ट कहां कहां होंगी, इसके लिए आपके पास रिपोर्ट्स ऑप्शन है। रिपोर्ट्स ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वहां वैकेंट पोस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। वैकेंट पोस्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को डाल के हम वहाँ की वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं। सेकेंडरी की देखना हो सेकेंडरी की, एलिमेंट्री की देखना हो एलिमेंट्री की। अब बात करते हैं अपन प्रोफाइल अपडेशन के बारे में। तो प्रोफाइल स्माइल 3.0 के नीचे जस्ट आपको दिखाया गया है कि प्रोफाइल ऑप्शन, प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिसमें बेसिक प्रोफाइल, डिटेल प्रोफाइल और व्यू प्रपत्र 10 तीनों ऑप्शन दिखा रहा है, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी बेसिक प्रोफाइल कन्फर्म करनी होगी और उसके बाद अपनी डिटेल प्रोफाइल हमें कन्फर्म करनी होगी। बात करते हैं बेसिक प्रोफाइल की। तो बेसिक प्रोफाइल में हमको से बेसिक प्रोफाइल खोलते हैं, तो आपके सामने मेरी बेसिक प्रोफाइल खुली है और उसके नीचे मेरी सारी डिटेल्स जो है, इसी तरह आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। और साथ में आप देख सकते हैं बेसिक प्रोफाइल के साथ में मेरे को ग्रीन मार्क्स में, टिक मार्क में कन्फर्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरी प्रोफाइल में कन्फर्म किया हुआ है, इसलिए ग्रीन टिक आ रहा है। अगर आप कन्फर्म नहीं लिखा रहा, तो आप जैसे इसको स्क्रॉल अप करेंगे, तो नीचे लिखा हुआ कन्फर्म लिखा आएगा कि कन्फर्म दिस प्रोफाइल। तो आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे, तो ये प्रोफाइल कन्फर्म हो जाएगा। आप अपने जो भी डिटेल है वो चेक करके उसे कन्फर्म ज़रूर करें। और अगर आपकी पहले से कन्फर्म है, तो आप जैसे उसको स्क्रॉल अप करेंगे, तो आपको वहाँ डेट दिखा देंगे कितनी डेट को आपका कन्फर्म हुआ है, जैसे आप मेरे में देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी डिटेल सही नहीं है, तो आप पक्का से प्रपत्र 10 को एक बार चेक करें और उसको सही करें। बाद में बात की जाए डिटेल प्रोफाइल की। और डिटेल प्रोफाइल में जैसे जाते हैं, तो यहाँ भी आपको सेम उसी तरह ग्रीन टिक मार्क में मुझे कंफर्म दिखाया गया है। इस वहीं आपको फिर से करना है कि चेक करना है कि कोई जो भी आपकी डिटेल है गलत ना हो। अगर सही है, तो आप कंफर्म कीजिएगा, और कंफर्म अगर आपका पहले से है, तो नीचे डेट दिखाया गया होगा कितनी डेट को आपका कंफर्म है। अगर सही नहीं है, तो प्रपत्र 10 को सबसे पहले अनलॉक करवा के वापस से हमें अपनी डिटेल फिल करनी है। और जैसे ही यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद आप अपना शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से आप अपना ट्रांसफ़र का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द मैं ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो साझा करूं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।